नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पूर्णिया ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 28 ज़िलों में से एक पूर्णिया ज़िला के नाम से जाना जाता है। पूर्णिया ज़िला बिहार के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से पूर्णिया ज़िला की सीमा वेस्ट बंगाल से मिलती है। पूर्णिया ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस पूर्णिया शहर में मौजूद है और पूर्णिया ज़िला होने के साथ साथ पूर्णिया मंडल का हेडक्वार्टर भी है और पूर्णिया ज़िला पूर्णिया मंडल के ही अंतर्गत आता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पूर्णिया मंडल के अंतर्गत कुल 4 ज़िले आते हैं, जिनके नाम पूर्णिया ज़िला, अररिया ज़िला, कटिहार ज़िला, किशनगंज ज़िला है। अब हम आपको बताएंगे पूर्णिया ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम। तो पूर्णिया ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम अररिया ज़िला, कटिहार ज़िला, मधेपुरा ज़िला, भागलपुर ज़िला, सरहसा ज़िला और किशनगंज ज़िला है, जो कि उत्तर में अररिया ज़िला, दक्षिण में कटिहार और भागलपुर ज़िला, पूर्व में किशनगंज ज़िला तथा पश्चिम में मधेपुरा व सरहसा ज़िला से घिरा हुआ है। पूर्णिया ज़िला में 4 तहसील, 14 ब्लॉक, 3 लोकसभा जो कि कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया को मिलाकर 3 लोकसभा है, 7 विधानसभा, 2 मुख्य कॉलेज, 1 मुख्य बिजली घर, 1 मुख्य सरकारी अस्पताल, 1 नगर पालिका, 246 ग्राम पंचायतें और 1226 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के पूर्णिया ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3219 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो पूर्णिया ज़िला की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 32,65,000 है। इस 32,65,000 में पुरुषों की कुल संख्या 17,02,000 व महिला की कुल जनसंख्या 12,56,000 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 921 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 921 महिला हैं। पूर्णिया ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या BR11 है। पूर्णिया ज़िला के मुख्य नदी का नाम सरवा नदी है। सरवा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला बिहार की राजधानी पटना से महज 368 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1369 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। पूर्णिया ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 60% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 38% है। टॉप 10 मुस्लिम आबादी वाले ज़िला के बारे में हम आपको बताएं बिहार ज़िला के, तो पूर्णिया ज़िले का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म की आबादी ज़्यादा है। सड़क रास्ते की बात करें तो पूर्णिया ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के वासी बिहार और वेस्ट बंगाल के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 31, नेशनल हाईवे संख्या 57 और नेशनल हाईवे संख्या 107 गुजरती है, जो आगे चलकर बिहार के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला
बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो पूर्णिया जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम पूर्णिया रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 3 प्लेटफॉर्म व 7 पटरी शामिल है। पूर्णिया रेलवे जंक्शन की स्थापना 1887 में हुई थी। और बात करें इलेक्ट्रिफाई की तो पूर्णिया जंक्शन का जो इलेक्ट्रिफाई करने का जो काम है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। पूर्णिया जंक्शन का स्टेशन कोड PRNA है और पूर्णिया जंक्शन बरौनी कटिहार सरहसा सेक्शन बरौनी गुवाहाटी लाइन पर स्थित है और पूर्णिया जंक्शन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के कटिहार डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो पूर्णिया जिला का शिक्षा स्तर काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ के 32 लाख की आबादी में आधे से थोड़ा ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि यहाँ की साक्षरता दर 52% है। यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 52% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BMT लॉ कॉलेज, शेरशाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, इंडियन पब्लिक स्कूल DAV पब्लिक स्कूल, ये सभी पूर्णिया ज़िला में ही मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। अस्पताल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ज़िला में एक मुख्य जिला अस्पताल है, इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है जो कि यहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से अपना सेवा प्रदान करते हैं। उन्हीं अस्पतालों में शुमार KK हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, आनंद हॉस्पिटल, पूर्णिया हॉस्पिटल, पूर्णिया सदर हॉस्पिटल, मैक्स 7 हॉस्पिटल, सहनाज हॉस्पिटल, ये सभी शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो पूर्णिया ज़िला में कई से घूमने के स्थान है जहाँ पर टूरिस्ट घूमकर आनंद उठा सकते हैं। पूर्णिया ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के पर्यटन स्थल में शुमार पुराण देवी माँ मंदिर, लाइन बाज़ार, फोरबक्सगंज, मणिहारी, जलालगढ़ किला आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के मुख्य व्यवसाय खेती है और सरवा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ के लोग काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं। वैसे इसके अलावा यहाँ पर कई चीनी मिल के कारखाने व अंडे के पैदावार भी होते हैं, जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है। अब हम आपको बताएं कि इस ज़िला की जो कमियाँ है वो क्या है, कि जो ज़िला का जो शिक्षा स्तर है वो बहुत ही डाउन है, यानी कि बहुत ही कम है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको पूर्णिया ज़िला के बारे में यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।